दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर अलवी है आपसे तकरीबन चार साल पहले मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की मिसिस दीपाली पत्रा इंग्लिश पत्रा वाला की जिस ट्रेनिंग में उनकी बर्निंग डिजायर और उनके ड्रीम देख करके मैंने यहाँ पर अपने आप को एक्टिवेट किया और लगातार प्रोग्रेस कर रहा हूँ उन्होंने जैसे अपने ड्रीम कोर्स पूरा किया इसी तरह आज से साढ़े साल पहले मैंने भी एक ड्रीम बनाया एक सपना देखा और आज वेस्ट के माध्यम से मेरा ड्रीम पूरा हुआ है मैंने शायद लाइफ में पहली बार इतने डैशिंग लीडर्स से मैं मिला और मैंने एक चीज सीखी कि अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो तो आप दूसरों के लिए मेहनत करो तो आपके सपने अपने आप पूरे हो जाते हैं मैंने मिसेज दीपल पात्रा वाला मैम की ट्रेनिंग सुनी उसे सुन के मुझे बहुत इंस्परेशन मिली शी इज वेरी वंडरफुल लेडी एंड डायनमिक लीडर दीपल जी ने एक बहुत शानदार ट्रेनिंग दी उस ट्रेनिंग के अंदर बताया कि मिल गोल और एंड गोल बाकी बहुत अच्छी ट्रेन थी जिसको हम बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर उस पर काम करेंगे थैंक यू सो मच दीपाली मैम मेरी आइडल रह चुकी हैं आज उनको फेस टू फेस देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और साथ के साथ जो उन्होंने ड्रीम्स के बारे में बताया पहले मुझे ड्रीम्स क्लियर नहीं था बट आज क्लियर है एंड उन ड्रीम्स मेरा यही था डेली का कि मैं उनके चेक्स को टच करूं। उन्होंने पावर ऑफ ड्रीम्स के बारे में बताया और वो ड्रीम्स को उन्होंने जी कर दिखाया पूरा करके दिखाया तो मुझे भी बिलीव हुआ और मैंने भी ड्रीम्स पे काम किया है आज मेरे भी ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं वेस्टीज से और थैंक यू वेरी मच गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे ड्रीम्स के बारे में आज जो कुछ भी हमारी सक्सेस है उसका सबसे जो ज्यादा श्रेय जाता है वो ये पांच लेटर वर्ड्स डी आर ई एम एस उसके ऊपर जाता है शुरुआत से ही हम दोनों ड्रीमर्स थे मैं और दीपल और कई बार हम अपने भविष्य को लेकर बड़े चिंतित थे और हम चीज़ इस चीज़ को बहुत बिलीव करते हैं दोस्तों कि फ्यूचर उन्हीं का है जिनको अपने सपनों के ऊपर भरोसा है द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ द ड्रीम्स हम लोग बहुत छोटे शहर से हैं और हम एक अच्छी लाइफ के बारे में सोचते थे कि भाई हम अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ़ द बेस्ट एजुकेशन देंगे बेस्ट ऑफ़ द बेस्ट लाइफ देंगे तो कहने का मतलब दोस्तों कि सपने बहुत सारे थे और सपनों के ऊपर भरोसा था हमें और हम बार बार सपने देखा करते थे और यही कारण था कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हमें मिला 2009 में, में मेरी वेस्टिज की जर्नी शुरू हुई और मैं एक चीज आपसे साफ कहना चाहूंगा दोस्तों अ पर्सन विदाउट अ ड्रीम इज बाउंड टू वर्क फॉर अ पर्सन विद द ड्रीम अगर आपके पास सपने नहीं है तो जाहिर सी बात है आप उन लोगों के लिए काम करेंगे जिनके पास सपने बहुत सारे हैं तो डिसाइड करो क्या करना चाहेंगे आप अपने लिए काम करना चाहेंगे या उन लोगों के लिए काम करना चाहेंगे डेफिनेटली अपने, अपने लिए काम करना चाहेंगे डिसीजन आपको लेना है दोस्तों क्यों जरूरी है डिसीजन लेना वाइट इज नेसेसरी टू डिसाइड वॉट यू वॉन्ट जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम डिसाइड करते तभी हम वहां पे जा पाएंगे और दूसरा हमें एक क्लियर कट डायरेक्शन मिलता है आगे बढ़ने के लिए हर एक कार में एक जी होता है सपना भी आपका वही काम करता है एक जी का काम क्या होता है आपको डायरेक्शन दिखाना राइट कई बार आप आप अगर गाड़ी चलाते हैं लेकिन कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये जी गलत डायरेक्शन दिखा रहा है लेकिन दोस्तों मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि जी कभी भी आपको रॉन्ग डायरेक्शन नहीं दिखाया जाएगा वो आपको एक शॉर्ट डिस्टेंस दिखा शॉर्ट शॉर्ट डायरेक्शन देगा लेकिन उस जीपीएस की उतनी गारंटी है कि वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा और ड्रीम्स में भी यही पावर है फ्रेंड्स दैट इज द पावर ऑफ ड्रीम्स मैं अगर मेरी बात करूं दोस्तों राइट right? सपने ये मेरे सेल्फ मोटिवेशन है मेरे सेल्फ मोटिवेशन के लिए अगर आप मेरी बात करें राइट टू में जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था उसके पहले मेरी हालत ऐसी थी कि हम लोग पूरी तरह से इन स्पाइट ऑफ बींग बींग बिजनेस मैन मैं एक फाइनेंस कंसल्टेंट था लेकिन हालत ऐसी थी दोस्तों कि ना मेरे पास मेरा खुद का बिजनेस था फाइनेंशियली हम लोग पूरी तरह से जीरो हो चुके थे इमोशनली पूरी तरह से जीरो हो चुके थे कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं था बस एक ही चीज़ जो मेरे पास थी वो मेरे ड्रीम्स थे और एक टाइम ऐसा आया एक टाइम ऐसा आया आज भी जब भी जब भी मैं वो दिन को याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं एक दिन ऐसा आया कि जब मुझे मेरे बेटे के स्कूल के फीस देने थे और फीस के लिए बीस हजार रुपये भी मेरे बैंक में नहीं थे ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज कैन यू ऐसी हालत थी जब मैंने वेस्टीज़ को ज्वाइन किया तब कुछ नहीं था फाइनेंशियली जीरो इमोशनली डिसीजन के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा दोस्तों कि पावर ऑफ डिसीजन क्या है डिसीजन हम ले सकते पावर ऑफ डिसीजन के बारे में मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि क्या पावर ऑफ डिसीजन है कि इट ओनली क्रिएट्स एक्साइटमेंट एंड कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर भी एक अचीवमेंट आएगा प्लस आपके टीम के अंदर भी एक नई ऊर्जा और नई एनर्जी आ जाएंगी पावर ऑफ डिसीजन अगर आप देखें तो मैं एक छोटी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे बहुत मोटिवेट करती है ये स्टोरी है एक हंगेरियन पिस्टल शूटर जिसका नाम है कैरोली टोकास करके एक हंगेरियन पिस्टल शूटर था वो हंगेरी का सबसे बेहतरीन शूटर था और 25 मीटर का जो पिस्टल शूटिंग होता था उसमें उसकी मास्टरी थी वो राइट हैंड शूटर था और 1938 में 1938 में वो वहां का नेशनल चैंपियन ऑलरेडी हो चुका था और सारे लोग पूरी हंगरी पूरी कंट्री उसके ऊपर उम्मीद लगा के बैठी थी कि 1940 की जो ओलंपिक्स होगी उसमें ये पर्सन जरूर जरूर गोल्ड मेडल लेके आएगा तो सारी तैयारी हो चुकी थी ये प्रैक्टिस भी कर रहा था इसके अंदर टैलेंट भी था लेकिन अचानक से कुछ कुछ प्रॉब्लम की वजह से अचानक बिकॉज कुछ एक्सीडेंट के वजह से बिकॉज ये आर्मी में था तो इसके हाथ में उसका राइट हैंड जो उसका शूटिंग हैंड था राइट हैंड के अंदर ग्रेनेड फट गया और उसका राइट हैंड पूरी तरह से नाकामयाब हो गया उसका राइट हैंड पूरी तरह से नाकामयाब हो गया अभी ये पर्सन के पास दो चॉइस थे कि या तो वो रोते बैठे या तो फिर डिसीजन ले कि कोई बात नहीं मेरा अगर राइट right हैंड नहीं है लेकिन मेरा लेफ्ट हैंड तो है तो ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विद इज लेफ्ट हैंड और 1939 में 1939 में जो हंगरी की नेशनल चैंपियनशिप होती थी वहां पर ये भाई साहब पहुंच गए जब पहुंच गए तो कुछ लोगों ने उनको बताया कि यस क्या हौसला है आपका अगर एक हाथ चला गया तो भी आप हम सब लोगों को चीयर करने आ गए वी रियली सल्यूट यू तब कैलोरी ने कहा कि मैं यहां पर आपको हौसला देने नहीं आया हूं मैं आपके साथ कंपीट करने आया हूं और दोस्तों यही हुआ कि लेफ्ट हैंड से बिकॉज उसने एक साल तक पूरी तरह से प्रैक्टिस किया था वो वहां का नेशनल चैंपियन बन गया लेकिन उसका टारगेट वो नहीं था उसका ड्रीम वो नहीं था उसने डिसीजन लिया था कि मैं अपने कंट्री को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जरूर 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 दिलवाऊंगा 1940 में ओलंपिक्स नहीं हुए कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर हो गई 1944 में क्योंकि हर चार साल के बाद में होती है 1944 में भी ओलंपिक्स नहीं हुए बट उसका माइंड सेट इतना पॉजिटिव था और 1948 के ओलंपिक्स में इसने कम्पीट किया और हुआ क्या उसने गोल्ड मेडल जीत लिया वहां पर पावर ऑफ ड्रीम दैट इज द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग सो वेन वेन यू डिसाइड एन अचीव वॉट यू वॉन्ट जब आप एक बार ड्रीम अगर आपने आपने कोई ड्रीम ले लिया और जब आपने उसका अचीवमेंट कर लिया तब दोस्तों आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस एक नई ऊर्जा तो आई जाती है आपके अंदर ही नहीं बल्कि आपके एंटायर टीम के अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है वेन यू क्रिएट और आप जब इसी एनर्जी को या इसी चीज को अगर आप अपने नेटवर्क में अगर आप डुप्लीकेट करते हैं दोस्तों तो आपके नेटवर्क में एक एक्सप्लोजन होता है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन दैट इज वेरी बैड फॉर द कंट्री आई एम टॉकिंग अबाउट नेटवर्क एक्सप्लोजन यहां पर बैठा हुआ हर हर एक व्यक्ति ये चाहेगा कि वो अपने नेटवर्क को एक्सप्लोर करे ताकि बहुत बड़े और बहुत वॉल्यूम उसमें जनरेट हो नेटवर्क एक्सप्लोर कब होगा जब आपके अंदर वो चीज़ होगी आप अपने सपने देखेंगे और आप अपने सपने को अचीव करेंगे और अपने लोगों को भी वही सिखाएंगे तब जाके नेटवर्क का एक्सप्लोजन होगा दैट इज द बेस्ट पार्ट कि हम सब लोग चाहते हैं कि हम अपने नेटवर्क के अंदर एक ऐसा एक्सप्लोजन चाहे एम आई राइट कि हम सब लोग चाहते हैं कि, कि एक नेटवर्क में ऐसी ऊर्जा एक ऐसा एक्सप्लोजन आए कि जहां पर हर एक आदमी नए 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 लेवल्स अचीव कर रहा है सोचो कितना अच्छा माहौल बनेगा जब आपके टीम में आपके लोग BMW चला रहे हैं कोई मर्सिडीज चला रहा है कोई अच्छा घर ले रहा है कोई अच्छे बीवी के लिए ज्वेलरी ले रहा है कोई फॉरेन ट्रिप के ऊपर जा रहा है कोई बच्चे को अच्छी एडुकेशन दे रहा है कितना अच्छा माहौल बनेगा कितना पॉजिटिव माहौल बनेगा चारों तरफ एवरीबॉडी इज सो हैप्पी दैट एवरीबॉडी, एवरीबॉडी इज़ अचीविंग वट एवर वट दे हैव ड्रेम ऑफ कितना अच्छा माहौल होगा आज वेस्टिज में क्या हो रहा है ज इतना ग्रो करने का कारण यही है कि हर एक आदमी अपने अपने गोल या अपने टारगेट तक पहुंच रहा है अपने ड्रीम अचीव कर रहा है आपने कितने लोगों को देखा होगा देर आर मोर देन हंड्रेड लग्जरी कार अचीवर्स आज तक ये इतिहास किसी भी इंडियन कंपनी ने इंडिया में नहीं बनाया है सोचो कि अगर आपके नेटवर्क में पंद्रह लोग या बीस लोग अगर अच्छी लग्जरी कार अचीव करते हैं तो कितनी एनर्जी होगी नेटवर्क में कितनी खुशहाली होगी एवरीबडी इज हैप्पी एवरीबडी इज मेकिंग मनी एंड दैट इज वॉट एग्जैक्टली वी वॉन्ट कई बार लोग आते हैं मेरे पास कि सर हम इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएं आपने किस तरह से नेटवर्क बनाया इतना बड़ा हम किस तरह से अपनी नई लाइन बनाए हम किस तरह से आगे डेवलप कर सके मेरा उनसे यही कहना है और आप लोगों से भी यही कहना है कि नेटवर्क बनाने के लिए पहले लोगों को बनाओ वॉल्यूम्स आ जाएगा क्योंकि लोग वॉल्यूम लेके आ जाते हैं अगर बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करना है तो अपने लोगों को रेडी करो इफ यू बिल्ड पीपल दे विल ऑटोमेटिकली ब्रिंग मोर वॉल्यूम्स तो अगर बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करना है वॉल्यूम के पीछे मत भागिए लोगों को रेडी करो अगर लोगों को आपने काबिल बना दिया अगर लोगों को सिखा दिया अपने सपनों तक पहुंचने के लिए तो डेफिनेटली बहुत बड़ा वॉल्यूम हो सकता है और जितना बड़ा वॉल्यूम उतना बड़ा चेक और उतनी बड़ी आपकी सक्सेस जैसे जैसे लोग अपने ड्रीम्स के ऊपर पहुंच जाएंगे एक अच्छा खुशहाली तो होगा आपका नेटवर्क छोड़ के कोई जाएगा भी नहीं अगर आपने सही रिलेशन उनके साथ बनाया है अगर आपने सही उनके साथ सही सही में उनके साथ बैठे हैं और एक अच्छी भावना से एक अच्छे कहते ना कि एक अच्छी इच्छा से एक अच्छे अच्छे विचार से अगर उनके साथ बैठ के उनके भी सपनों के ऊपर काम करेंगे आपके आपके नेटवर्क को छोड़ के कोई नहीं जाएगा कोई क्विट नहीं करेगा

गुड मॉर्निंग सो ड्रीम्स की बात जब आती है तो uh, मेरे मुँह पे तो अपने आप स्माइल आ जाती है uh, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है और uh, मुझे लगता है आज हम जो भी है वो सपनों की वजह से हैं पर सपनों को गोल में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है गोल सेटिंग आज जो मैं बात करने वाली हूँ गोल सेटिंग रीडिफाइंड एक डिफरेंट तरह का गोल सेटिंग जो करीबन पाँच साल से हम फॉलो कर रहे हैं और लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है इसके पहले बहुत सारे सपने पूरे किए मैं बात कर रही हूँ आज से पाँच से छः साल पहले भी सपने पूरे होते थे बट सपने पूरे होने के साथ साथ मैं खुश नहीं हुआ करती थी सपने अगर आपके पूरे हो रहे हैं पर अगर आप खुश नहीं हैं तो वो सपने कुछ काम के नहीं होते हैं सही कह रही हूं मैं सो yes. so, मैं चाहती थी कि क्या ऐसा करे जिससे हैप्पीनेस हो एवरी डे मॉर्निंग जब मैं उठती थी दरवाजे को देख के कहती थी कि देखते हैं चैलेंज बड़ी है या मैं बड़ी हूँ यानी मैं क्या करती थी रोज चैलेंज को इनवाइट करती थी मेरी जो सोच थी वो सोच ये बन चुकी थी कि लाइफ में रोज प्रॉब्लम्स आएंगी और उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलना यही आपका काम है जब हमने वेस्टीज ज्वाइन किया वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद हमने हमारे गोल्स बनाए बहुत कुछ लिखा उसके अंदर हम सब बनाते हैं गोल राइट right? मैंने भी गोल बनाए गोल के अंदर जो जो हमें आज तक कहा गया है बहुत सारी ऐसी चीजें हमें कही जाती हैं सपनों के बारे में जो मिथ है जैसे कि पैसा अच्छी चीज नहीं है हर बार कहा जाता है कि क्या पैसे के पीछे भाग रही हो मुझे याद है जब मैं फंक्शंस में जाया करती थी तो लोग मुझे कहते थे कि आजकल तो नोट बनाने में पड़ी हुई हो मुझे पैसे गलत कैसे हो सकते हैं कौन सी बुक में लिखा है कि पैसे गलत है पैसे तो बहुत पॉजिटिव है जिससे हम अपने पेरेंट्स को रख सकते हैं हम अपने बच्चों को अच्छे से रख सकते हैं हम अपने समाज में बहुत कुछ कर सकते हैं बट ये एक मित है लोग ये समाज के बनाए हुए रूल्स है कि पैसे अच्छी चीज नहीं होते उसी तरह एक और रूल समाज ने बनाया हुआ है कि भाई पैसा कमाना है तो नौ से पांच की नौकरी तो करनी ही पड़ेगी अग्री मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी नौ से पांच की नौकरी करके कभी भी आप करोड़ों पति नहीं बन सकते और अगर बन भी गए तो जो एक्साइटमेंट जो हैप्पीनेस और जो दूसरों को सर्व करने की एक जो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो आपको कभी नहीं मिल पाएगा So, ये भी एक समाज का बनाया हुआ एक ऐसा रूल है कि नौ से पांच की नौकरी तो करनी ही पड़ेगी तभी जाके आप जिंदगी में कुछ कर सकते हो और एक समाज का बनाया हुआ रूल है जिसे मैं नहीं मानती हूं कि गोल रियलिस्टिक होने चाहिए गोल रियलिस्टिक होने चाहिए यानी कि जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाइए अरे भी मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी बड़े बड़े, -बड़े कपड़े मिलते हैं जिससे आप चाहे उतनी बड़ी चादर अपनी बना सकते हो गोल सपने तो ऐसे होने चाहिए जिसे याद करे तो मुंह पे स्माइल आ जाए सपने तो ऐसे होने चाहिए जिसे देखे तो आंख में से पानी निकले सपने तो ऐसे होने चाहिए जिसे देखते ही रूटे खड़े हो जाए तो इसमें रियलिस्टिक कैसे हो सकता है ये एक समाज के बनाए हुए ऐसे रीत है जो कोई किताब में नहीं लिखे हैं बस हमारे पेरेंट्स ने हमारे नेबर्स ने हमारे मैंटोर्स ने किसी ना किसी ने हमें कहा कि अपने आप को बांध के रखो यानी कि वो जो एक एलिफेंट होता है जब वो जन्म लेता है उसको बांध के रखा जाता है वो बेचारा एक बार कोशिश करता है अपने पैर को छुड़ाने की दूसरी बार करता है तीसरी बार करता है एक साल करता है दो साल करता है फिर अपने दिमाग को क्या कह देता है मेरे से नहीं हो पाएगा बस मैं ऐसे ही ठीक हूं उसको जो साकल बांधी गई थी वो निकाल के दोरी बांधी बांध दी जाती है पर उसके बाद वो कभी कोशिश ही नहीं करता है अपने आप को छुड़ाने की हमारी भी हालत यही होती है सोचिएगा ज़रूर वी नीड हायर डिग्रीज अगर बड़ी बड़ी डिग्रीज है तभी आप कुछ कर सकते हो मेरा बेटा पढ़ रहा है अच्छी डिग्री कर रहा है पर मैं उसे हमेशा ये कहती हूँ बेटा पढ़ तेरी खुशी के लिए पढ़ नौकरी करने के लिए ना पढ़ कि डिग्री मिलेगी तो नौकरी मिलेगी नो पढ़ना है तो खुशी खुशी पढ़ क्योंकि तुम उसे आगे अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सको और एंजॉय कर सको सो so, ये एक ऐसा एक ऐसा रूल बनाया गया है समाज ने जो मैं नहीं मानती हूँ सही है आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं अगर आप देख लोगे उसमें ज़्यादातर लोग बहुत लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं सो so, ये एक ऐसा रूल है और एक कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट जॉब बहुत सेफ होती है।, है ना ये भी एक एक समाज का बनाया हुआ रूल है कि भाई भाई आप कॉरपोरेट जॉब में हो या फिर अपने लड़की की शादी करनी है तो भाई गवर्नमेंट जॉब है तो अच्छी बात है सेफ है अगर पाँच सौ और हजार की नोट रातों रात बंद हो सकती है तो आपकी नौकरी क्यों नहीं जा सकती भाई साहब वो कैसे सेफ है कहना मैं आपको यही चाह रही हूँ कि ये सब समाज के बनाए हुए एक रीत रिवाज है जब आप अपने सपनों के बारे में सोचो तो इन सब बेड़ियों को अपने पैर से निकाल दो गोल सेट ऐसा करो जो आपके मुंह पे स्माइल लाए आपको खुशी दे जैसे मैं आपको मेरे बारे में बता रही थी कि मैं सपने तो पूरे करती थी पर मैं खुश नहीं थी क्यों क्योंकि मेरे आगे हमेशा एक कैरेट लगा रहता था कि आज तो मैंने एसेंट ले ली है वाओ वेरी गुड पहली गाड़ी कौन सी हुआ एक्सेंट कार पर अकॉर्ड क्यों नहीं आई आज को अगर आप एंजॉय नहीं करोगे तो आप कभी भी फ्यूचर में बड़े सपनों के लिए काम नहीं कर सकते हो सो so, ये जो गोल सेटिंग है जिसमें दो तरह के गोल्स होते हैं जनरली एक होते हैं मींस गोल एंड एक होते हैं एंड गोल्स मींस गोल का मतलब क्या है सबसे पहले हम वो देखते हैं मीन्स गोल का मतलब जैसे कि पिछली कंपनी में जब मैं पहले काम करती थी वहां पे मेरा एक गोल हुआ करता था मुझे नंबर वन बनना है मुझे नंबर वन बनना है ठीक है अगर उस कंपनी में अभी भी होती और नंबर वन होती तो भी उतना नहीं कमाती आधा भी नहीं कमाती जितना आज मैं वेस्टीज में कमा रही हूं so, सो नंबर वन से तो कोई लेना देना नहीं है ये जस्ट एक मेरे दिमाग का और इसी के लिए मैं खुश नहीं रहती थी क्यों क्योंकि जो चीज मिल रही है मुझे जो चाहिए नंबर वन बनने से नंबर टू बनने से कुछ भी नहीं होता है होता ये है कि आप क्या पाना चाहते हैं कौन सी चीज आपको खुशी देती है उसी तरह टाइटल्स बहुत सारे लोग भागते हैं टाइटल्स के पीछे मैं तो यू सी डी बनूंगा मैं तो क्राउन बनूंगा क्या करोगे यू सी डी बन के यू सी डी बहुत अच्छा टाइटल है वेरी गुड बट ये एक मिन्स गोल है यू सी डी आपको क्या आपके सपनों तक ले जा सकता है थिंक अबाउट इट और एक जो मिन्स गोल में आता है Uh, एक मीटिंग में अभी मैं किसी एक लड़की को मिली थी यही ट्रेनिंग कर रही थी और मुझे पूछने लगी मैम मेरा गोल है मेरा सपना है कि मुझे 2000 लोगों की टीम बनानी है तो मैंने कहा क्यों 2000 लोगों की टीम बनानी है तो मुझे कहने लगी मैम 2000 की टीम बनाऊंगी तो चेक बड़ा आएगा मैंने कहा चेक क्यों बड़ा चाहिए तो कहने लगी चेक अगर बड़ा होगा तो मैं घर ख़रीद सकूंगी मैंने कहा क्यों घर खरीदना चाहती हो तो कहने लगी कि मैं मुंबई में रहती हूँ मेरी माँ माँ जो है वो गुवाहाटी में रहती है और जो मेरी बेटी है वो हॉस्टल में पढ़ाई कर रही है मेरे पास घर नहीं है मैं एक घर लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं मेरी माँ और मेरी बेटी एक साथ हम रह सकें और मेरी बेटी को मालूम पड़े कि फैमिली क्या होता है यानी उसका गोल क्या था घर जिसमें वो तीनों साथ में रहे तो टीम साइज वो एक बाय प्रोडक्ट है अगर आप अपने घर के लिए काम करोगे तो टीम साइज तो बनने ही वाली है दूसरा जो एक तो होता है मींस गोल और एक होता है एंड गोल यानी घर वो हो गया आपका एंड गोल जब भी कोई चीज आपको लाइफ में चाहिए तो आपको उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है तीन तरह तीन चीजें ऐसी हैं जैसे कि सपनों के बारे में जब आप लिखने बैठते हैं तो खास ध्यान रखें गोल गुड गोल शुड बी स्केर यू आर लिटल एंड एक्साइट यू आर लॉट So दोस्तों सपना जो ईजी वाला हो वो तो कोई भी कर लेगा थोड़ा सा तो स्केर दे आपको पर उसके साथ साथ वो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दे सो so, आपको ये डिसाइड करना है क्या चाहते हो आप कौन सी चीज़ें आपको एक्साइटमेंट देती है कौन सी चीज़ें ज़िंदगी में आप पा... चाहते हो पाना जरूर बैठ के इसे लिखिए और जब आप लिखें तो जरूर ध्यान रखें कि आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं आपको ये नहीं सोचना है कि क्या लोग मुझे पहचानते कि ही पहचानते हैं कि नहीं पहचानते क्या मेरे पास उतने कॉन्टेक्ट है आपको क्या सोचना है ऊपर वाला मेरे साथ है मैं फ्लो में हूं मैं जो भी सोचूंगा वो जरूर पूरा होगा पर मैं पहले सोचू तो सही और जब लिखते हो तो जो चीज मुंह पे स्माइल लाए जो खुशी दे उसे लिखना जरूरी है तो सबसे पहले आप लिखिए कि कौन सी चीजें जिंदगी में एक्सपीरियंस करना चाहते हो क्या पाना चाहते हो कौन सी चीज आपको खुशी देगी दूसरी चीज जो मैं आपको खास कहना चाहूँगी हाउ अगर आपको आपको आपके एक्सपीरियंसेस आपके सपने पूरे करने हैं तो आपको अपने आप को बदलना होगा अपने को ग्रो करना होगा अगर मैं ये कहती हूँ कि दीपल जो पाटन के गांव से आई थी जिसे हिंदी भी नहीं आती थी एक ही भाषा आती थी जो गुजराती थी लोग ये कहा करते थे कि दीपल तेरे को तो बाल बनाने नहीं आते है को लिपस्टिक लगानी नहीं आती है इस तरह कपड़े नहीं पहने जाते ये तेरा गाँव नहीं है अगर मैंने अपने आप को बदला नहीं होता तो शायद मैं ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पाती तो अपने आप को बदलना ग्रो करना बहुत ज़रूरी है जितना आप अपने आप को ग्रो करोगे उतना ही आप अपने सपनों के करीब पहुंच पाओगे बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी चीज़ है आप सब जानते हो पढ़ते हो पढ़ते हो एक दिन पढ़ते हैं दो दिन छूट जाता है तीन दिन पढ़ते हैं, उसे हैबिट बनाइए। आपकी नेटवर्कर की सबसे है, है डिसाइड करना होता है कि वो कैसा बनना चाहता है वो कैसा फ्यूचर चाहता है तो उसे अपनी डेली हैबिट्स के ऊपर बहुत काम करना होगा लिखिए कि आप कौन सी डेली हैबिट अपनाना चाहते हो कितने प्लान आप महीने में दिखाना चाहते हो कितनी प्रोडक्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए आप क्या क्या अपने आप में ग्रो करना चाहते हो जिससे आप अपने सपनों तक पहुंच सको आखिर में मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहती हूँ अपने सपने को जिए, उसको महसूस करिए अगर आपके घर से कोई ज्वेलरी चुरा के ले जाएगा तो आप उसे दूसरी बार बना सकते हैं पर अगर कोई आपके सपने चुरा के ले जाए तो आप दूसरी बार नहीं बना सकते सो तो ऐसे लोगों से दूर रहिए खुश रहिए बहुत आगे बढ़िए और जितना हो सके उतना अपने सपनों से प्यार करिए थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ